देखो कौन आया। अरे यार आँख खोलो, देखो कौन आया। अरे बाप रे, एक मिनट सर, इसको जरा पाक कर देते हैं। लीजिए आपके लिए तैयार होके आई है यार। आज तो मजा आ गया टकाटक, माहौल बन गया चकाचक। अम्रपाली और रानी जी को देख के दिल धड़क रहा है धका धक। ताली बजाओ फका फक। ओहो यार, अपने यूपी बिहार के सुपरस्टार्स को देख के दिल खुश हो गया यार। यार आपके लिए हम कुछ लाए हैं। लीजिए, आपके लिए माला है सर, पहने ना पहने। अरे वाह सर, आपके लिए भी माला है ये। वाह, ये क्या है? अब सर एक खाली रिक्वेस्ट है, यहाँ से बाहर जाके लोगों से कह दीजिएगा कि बच्चा यादव ने आपको माला माल कर दिया। अरे लेडीज, आपके लिए भी हम लाए। लेडीज आपके लिए, देखिए हम यहाँ पान लाए हैं। अरे वाह, साथ में जल लाए हैं। बाहर जाके लोगों से कहिएगा बच्चा यादव ने आपको जलपान करा दिया। मजा आता है यार, ऐसा बात है, मजा करो है कि नहीं बच्चा? आज क्या बात, भोजपुरी पूरा स्टार लग रहा है ये भी। आज कभी भोजपुरी बोल रहा है, पूरा माहौल भोजपुरी हुआ पड़ा है, क्या करें यार। आपको सर सच्चाई बताएं, थोड़ी देर पहले यहाँ पीछे हम वड़ा पाव खा रहे थे, उसमें भी लिट्टी चोखा का टेस्ट आ रहा है हमको। आज सामने अर्चना जी बैठी है, ऐसे लग रहा है कि रवि किशन सलवार सूट पहन के बैठे। सही है। थोड़ी देर पहले अभी हम इनसे मिले पीछे, हमने पूछा कि कैसा लग रहा है अब शो में, अच्छा मजा आ रहा है? तो कह रहे हैं जिंदगी झंडबा फिर भी बोल रही थी। वैसे सर आप लोगों के लिए एक और चीज लाए हैं, देना भूल गए हम। ये क्या है? क्या है? किला, किला ऐसा दीवार में ठोकते ना, एक किला आपके लिए है। किला क्यों दे रहा है? ये लीजिए, एक किला आपके लिए है। किला क्यों दे रहा है? नहीं, दिनेश लाल जी पहले हैं, ये एक केसारी लाल जी हैं, तो लाल तो ये पहले से हैं, किला दे दिया, अब इनके पास लाल किला है। बच्चा क्या हो गया? तो ठीक है, क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ? हाँ निरा हुआ। Oh my God। वैसे अम्रपाली जी, आपसे एक बात पूछना था जी। लोग देखिए डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, पहला इंसान हमने देखा आम पाला है इन्होंने, आम्रपाली। आम्रपाली। वैसे कौन सा आम पाला है आपने? मतलब हापुस है कि दशहरी है? नहीं एक्चुअली क्या है कि हमारे पास अपना एक लंगड़ा आम है, उसको भी आप ही पाल लीजिए। इट इज फीलिंग लोनली। हेलो, बच्चा खुद आप बगीचे जैसा फैले हुए हैं और लोनली फील करते हैं? यार हम बगीचे जैसे फैले हैं कि रायते के जैसे फैले हैं, व्हाट योर मैटर यार। देखिए आप सारी हीरोइंस के साथ फ्लर्ट करते हैं, कीजिए, लेकिन रानी जी के साथ मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि रानी जी के साथ ये कवर भी आएगा, यू नो कैरम, रानी के साथ कवर आता है। कवर के बिना नो रानी, नो रानी। तू बड़ा रानी से फ्रैंक हो रहा है? तो होंगे यार, एक ही इंडस्ट्री में रहने के बाद भी हमारा कोई ईगो क्लास ही नहीं है। पूछे क्यों? क्यों लाइफ में पहली बार मिले यार, कहां से ईगो क्लास? आते ही भोजपुरी बोल रहा था बच्चा, अभी तो इंग्लिश बोल रहा है, बड़ा तो मिक्स कर रहा है आज इंग्लिश भोजपुरी। बचपन से यार भोजपुरी इंग्लिश हम और निरहुआ भैया, याद है? याद है। कैसे ऐसे हम अंग्रेजी और भोजपुरी को मिक्स करके चलते हैं, लाइक हाउ आर यू बा, हाउ आर यू बा, व्हाट आर यू डूइंग बा, ईटिंग बा और नॉट ईटिंग बा, ज्यादा बोले तो कॉलर पकड़ के पीटिंग बा, हमारा और निरहुआ भैया का चलता है ऐसे ही। मतलब तुम निरहुआ को बचपन से जानते हो? अरे हाँ यार, हम साथ में भैंसिया चराते थे। और आज देखिए
हम इतने बड़े तबेले के मालिक बन गए और ये अभी भी दूसरे लोगों के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। बच्चा तू बड़े गॉसिप कर रहा है, कहीं भौजी ना बन जाना तू। कप्पू शर्मा यार कुछ भी बोल लो, भौजी के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है यार कि करेले की कलौजी और बिहार की भौजी का कोई तोड़ नहीं। हमारे इंडस्ट्री में इतना रिस्पेक्ट मिलता है यार भौजी को कि पूरा इंडस्ट्री का नाम ही उन पे रख दिया है, भौजीवुड। अबे भौजीवुड नहीं, भोजवुड। एक बार जोरदार तालियां बनती है यार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सर आप लोग जैसे अपना करियर में ग्रोथ किया है ना, देख के हमको बड़ा खुशी होता है। मतलब पहले आपने भैंसिया चराई, फिर फिल्मों में भौजी पटाई, फिर रिमोट से लहंगा उठाया, फिर पार्टी का टिकट पाया, फिर इलेक्शन में हुए खड़े। वेरी नाइस, देख के इतना अच्छा लगता है। हम बहुत इंस्पायर्ड हैं सर। अच्छा। हम ना आप लोगों को लेके अपना खुद का एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जैसे कौन सी फिल्म? टाइटल क्या होगा? देखिए टाइटल फिल्म का रहेगा भौजी मारे तुक्का भैया पिए हुक्का। अच्छा टाइटल है, अच्छा टाइटल। या फिर एक दूसरा टाइटल भी रेडी है हमारे पास, भैया गए पगला भौजी लेगी बदला। ये तो मैं करूंगी। भौजी ले अलबत्ता। फिल्म का सर हमने एक्चुअली एक सीन भी लिखा हुआ है, आप कहें तो बता दें। अरे बताइए। देखिए फिल्म का शुरुआत होता है तो तुरंत होता है इंटरवल। क्यों? इंटरवल मतलब शुरू होता है इंटरवल क्यों? अरे बदला के ऊपर पिक्चर बनाया है तो सेकंड हाफ में ही तो बदला होता है। फर्स्ट हाफ में क्यों बदला ले रहे हो अपने मन से सोच लो यार, कितना कौन सोचेगा, हम उतना ही बनाए हैं। तो फिल्म शुरू होता है सर, एक किसी बहुत अमीर आदमी का बहुत बड़ा घर है, बहुत सारा सिक्योरिटी इधर उधर। सुबह का टाइम है, पौ फटता है। पौ तुम्हारा है? तो सुबह का टाइम है, हीरो का एंट्री हो रहा है। हाँ। अब हीरो आया, टिंग 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 टिंग, दूध ले लो। तो तेरा हीरो दूध वाला है, खुद का दूध का काम और हीरो भी दूध का। यार कम से कम कार पे एंट्री करा ना। कार पे करा देते हैं, ऐसा क्या बड़ा बात है उसमें यार। अब जो गुंडे लोग हैं हीरोइन को छेड़ रहे हैं, नया एंट्री दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, गुंडे हैं हीरोइन को छेड़ रहे हैं। हाँ। तो अपना हीरो कार में आ रहा है, उसका कार चल रहा है। अच्छा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आगे क्या हुई? फिर कार रुक जाता है। क्यों? क्योंकि कार में हीरो ने पेट्रोल की जगह दूध डाल दिया है। दूध वाला है नया। दूध के ऊपर नहीं सोच सकता, मतलब आप दूध के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। आप सीरो की तो बात नहीं कर रहे हैं। अरे यार ये है दूध वाले। चलता है यार, छोड़ो एक काम करते हैं। हाँ। हीरो के साथ फिल्म क्यों शुरू करना, हीरोइन के साथ कर दे फिल्म शुरू, इफ यू डोंट माइंड। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो जो है अब हम फिल्म शुरू करते हैं। हीरोइन है, अच्छा स्विमिंग पूल में नहा रही। अच्छा अब वो नहा रही, नहा रही, नहा रही, नहाए जा रही है, नहा रही है। फिर आगे? आगे? अरे नहाने दो ना यार, मेहमानों को मजा आ रहा है यार, आपको क्या प्रॉब्लम? मजा आ रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना, नहाने भी नहीं देते यार, डिस्टर्बिंग आदमी। बच्चा क्या तू फालतू की बात कर, जोक सुना ना मेहमानों को। अच्छा चलो जोक सुना मेहमानों को, तो एक जोक पेश करते हैं। कपू शर्मा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। नहीं, वो थोड़ा घी गरम कर लो यार, इतना क्या सोते है उंगली करने। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अरे वाह बच्चा, छा गया। एक और सर, एक और पेश करना चाहेंगे हम ना, लोहे में से पानी निकाल सकते हैं, पूछिए कैसे? कैसे? हैंड पंप से यार, लोहे का पानी तो। अरे अभी हमें जाना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा। मिस यू, मिस यू, मिस यू। चलिए फिल्म अच्छा, भोजपुरी फिल्मों के सबने देखा होगा टाइटल जो होते हैं बड़े ही मनोरंजक होते हैं। आज क्योंकि आप सब लोग हिंदी फिल्में भी देखते हैं, आप इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं, तो आप सबको मैं कुछ टाइटल देता हूँ कि अगर हॉलीवुड की कुछ फिल्में भोजपुरी में बनती तो उनके टाइटल के मतलब क्या होते। एक फिल्म है कैच मी इफ यू कैन, पकड़ सके ले पकड़ ले, नहीं तो मर जीवे।
गेट रिच और ट्राई डाइंग. अमीर बन जो ना तो ट्राई करत करत मर जाइबा. ट्राई करत करत मर जाइबा. ओके बेबीज डे आउट. बुचिया बाहर गई ले बाहर गई ना बबुनी बाहर गई बबुनी बाहर गई बिया. द एवेंजर्स अगर बने तो द एवेंजर्स. एवेंजर्स दुनिया गई पगला के ले बदला एक धुआंधार लड़ाई. एवेंजर बा. ओके क्लैश ऑफ द टाइटंस. चुड़ुक्कन की लड़ाई. चुड़ुक्कन. अच्छा वो लगाई लू लाल लिपस्टिक वाले उनको भी लेके आना चाहिए था आपको यार. मैंने वो गाना बड़ा सुना. मुझे पहले लगता था ये आपका गाना है. वो आने वाले थे. अच्छा बात हुई उनसे. मैंने पूछा कि आप आ रहे हो क्या. हम लोग अच्छा. आ रहे हैं. तो पूछे कि खेसारी जी आ रहे हैं. बोले हाँ आ रहे हैं. बोले हम नहीं आएंगे. ऐसे क्यों. वो सेम है जैसा वो जब मनोज भैया आते हैं. हाँ तो रवि भैया पता करते हैं मनोज जी आ रहे हैं. हाँ मैं नहीं आऊंगा. बोले हाँ तो हम नहीं आ रहे हैं. ऐसे क्यों. इतना याराना है. बहुत प्यार है. वही फिल्म जो हम लोग शूट कर रहे थे गंगा जमुना सरस्वती. उसका किस्से तो कितने हैं आपके पास. बहुत सारे सर. रोज किस्सा ही होता था जी. सर पहली भोजपुरी फिल्म थी. नॉर्मली हम लोग 30 दिन में बना लेते हैं. 30 से 35 दिन. अच्छा जी. वो पहली भोजपुरी फिल्म थी जो 6 साल तक बनी. 6 साल क्यों. क्योंकि रोज किस्सा ही होता था. शूटिंग कम होती थी. अच्छा. अब जैसे एक दिन एक सीन था उसमें मैं भी था रवि भैया थे मनोज भैया थे. सीन होने के बाद आके मॉनिटर पे देख रहे थे हम लोग. तो मनोज भैया बोले क्या है. तू जब उधर से आता है तो मैं ना इधर से तेरे को थोड़ा धक्का दूंगा. अच्छा. रवि भैया बोले एक मिनट. मैंने बाबू तुमको कभी कहा कि तुम तार सप्तक में गाओ. खड़ज में गाओ. नहीं कहा ना. मेरे को एक्टिंग मत सिखाना नहीं तो मैं अभी गोली मार के मर जाऊंगा. तो वो दोनों के बीच में तो चलता ही है. जैसे इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं. अच्छा. फंस के. पवन जी एक बार दिल्ली में एक किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली. इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं. अच्छा. खेसारी जी गए अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा. इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं. अच्छा. तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा. उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना ऐसने होटल हमें को बनावा था नहीं लेकिन पानी के बीच में. अच्छा. और कट टू वहां से पवन जी उठ गए. अब एक शब्द बोला ना खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए. और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला फंस जाएगा. तो ये बोले कि अरे भैया सुनी ना मतलब अरे अभी प्लान चला था. फिर बोल रहा तू खुद ही कहा खुद ही. अच्छा बोले नहीं भैया नहीं बोलेंगे. आइए. यही सबसे वो ना वो अच्छा। बोलते हैं कि जब ये सब मैं सुनता हूँ तो बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ. मैं पहले नहीं बोलता था. अब कभी कभी रवि जी को देखता हूँ तो बोलता हूँ. ऐसे क्यों. रवि जी को देखकर क्यों. ऐसे क्यों. क्योंकि मैं पहली बार मेरी एक साजन चले ससुराल आलोक भैया है प्रिमांशु जी लो. पहली मेरी सिनेमा रिलीज हुई थी. हम 2 साल बाद मॉरिशस गए थे. सब लोग थे साथ में. ओह गॉड. तो मैं अकेला था. तो मैं बैठा था तो रवि जी आए बनियान पहने हुए थे. हाँ बताइए. बड़ा सा शीशा था. मैं यहाँ बैठा हूँ. डायरेक्ट बाथरूम से निकले. मैं मुझे ऐसा लगा जी रवि जी को कोई भूत प्रेत से मिल गया. बाबा नाचेगा. बाबा नाचेगा. बाबा नाचेगा. मुझे लगा भाड़ हट हट. अकेला रूम में एक बच्चा सा आदमी और मैं डर गया. मेरी हालत खराब हो गई कि इनको क्या लग रहा है जी रवि भैया को कुछ भूत पकड़ लिया है. मैं बात बाहर गया. मैं इनसे बोला भैया रवि भैया का तबीयत ठीक नहीं है. तो ये मुझे बताया कि बेटा उसी तरह करते हैं. उनका एक स्टाइल है. स्टाइल है. एक फिल्म आई थी गब्बर सिंह. अच्छा जी. और गब्बर सिंह का प्रीमियर था तो मुझे भी बोले बेटा आ जाओ प्रीमियर में. तो मैं और मेरा भाई प्रवेश अच्छा. यहाँ पे आए बैठे हैं. हम लोग दोनों लोग गए प्रीमियर में. गाड़ी वाड़ी खड़ा किए तो रवि भैया जहाँ खड़े थे वहां कम से कम 10-15 बाउंसर खड़े थे. अच्छा. तो मैं गया उनका पैर छूने के लिए. मैं सोचा जाके पैर छू लेता हूँ.
और वहां रवि भैया हैं, मैं अभी यहीं तक आया था, तब तक जो बाउंसर थे वो मुझे उठा लिए, उठा के इधर खड़ा कर दिया। चल चल कहाँ, इधर कहाँ। फिर हम लोग इधर खड़े हो गए यार, पैर भी नहीं छुपाए। फिर हम सोच वहां खड़े थे थोड़ी देर की, भैया अगर देखेंगे इधर तो जाके पैर छू लेंगे। तो भैया तो ऐसे ही थे, हैरान महादेव। और महादेव बाबू एकदम फाड़ दे, चीर दे बाबू। बाबू अरे सरवा लगा रे। फिर हम लोग इंटरवल में मिले, अरे बाबू तुम कब आए। हम बोले बहुत पहले आए थे, आपके बाउंसर उठा के उधर रख दिया हमको। उनसे पूछा कि ये क्यों रखे हैं यहाँ पे, ये लोग बताइए, हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ। बोले बाबू भौकाल। अभी तो पताल से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी पता ही नहीं। हाँ नहीं, अभी उनको पूछे लोग, अभी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा जी। पूछे लोग कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बोले बाबू हर हर महादेव पाताल से लड़ब जीत जाए बाबू। सारे सीट अनाउंस हो गए। अच्छा। रवि भैया का अभी तक खोज हो रहा है कि पाताल में कहाँ दिया जाए। ओह माय गॉड। कमाल के यार, इतने इनके इतने मजेदार किस्से, जी चाहता कि सुनते रहे बैठ के। अच्छा मैंने आपसे आज ये सवाल पूछा नहीं, आपने आप बॉलीवुड फिल्में भी देखते होंगे, आप बॉलीवुड में किसके फैन हैं, ये सवाल मेरा आप चारों से है। मैं गोविंदा जी का हूँ। अच्छा जी, वाह क्या बात है, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, गोविंदा सर का। लव यू सर। आप सर? अमित जी का। अमित जी के। अच्छे वाह। और आप? सलमान खान। सलमान खान, अपने अपने बांटे हैं सबने। और आप? अब तक चेंज नहीं हुआ है, बचपन से उन्हीं को देखती आ रही हूँ, माधुरी दीक्षित जी। वाह क्या बात। आपकी फेवरेट हीरोइन बताइए। मेरी वाइफ। वाह वाह वाह, देखो वाह, क्या बात है, ये बंदा पॉलिटिक्स में जाएगा। नहीं नहीं पक्का, नहीं पक्का। इसलिए इसलिए कि मेरा एज 17 बरस का था, तो मुझे प्यार का ये पता नहीं था। अच्छा। तो जब वो आई तो मुझे प्यार करना सिखाया उसने। अच्छा। और उस समय मैं हीरो नहीं था, तो मेरी हीरोइन वही थी, इसीलिए आज तक मेरी फेवरेट है। क्या बात है। कपिल कुछ सीख। मैं सीख रहा हूँ, आप मेरे घर में कलेश क्यों डाल रहे हो। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं आपके, चलो मैं आपके यहाँ पे जो इतने सारे फैंस हैं, ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी हम निरोह भैया से प्रणाम करते हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। हमारा नाम हरशंकर पांडे है, हम सुल्तानपुर से हैं। जय हो जय हो। हम आपके गाना बहुत प्यार से सुनी था, हमेशा उस पर ध्यान दे रहे, निरहुआ रहा बीमार से टल रहा है। इनका बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है सर, वैसा एल्बम था जी कि मैं उस समय कलकत्ता से पढ़ाई करके आया था अपने गांव। अच्छा जी। और गांव को पहले भी आता था, देखता था, मैंने बदलते हुए देखा। अच्छा जी। बदलते हुए परिवेश को देखा कि पहले क्या होता था हमारे गांव में नॉर्मली जी, कि अगर किसी लड़के की शादी हो गई, तो शादी हो गई, सब घर परिवार के लोग हैं, तो वो उसको अपनी बीवी से ही मिलना है, पर पूरा घर सो जाएगा उसके बाद छुप के पीछे कहीं से सीढ़ी उड़ी लगा के छत से चढ़ के उसको कैसे कैसे पहुंचना पड़ता था। अरे बाप रे। अच्छा जी। ऐसा इसलिए कि जो हमारे जो पुराने लोग थे उनका मानना ये था कि नहीं नहीं अभी लड़का पहलवानी कर रहा है और मैं तो खटिया जो है दरवाजे पे ही बिछा के सोऊंगा। और ये सच घटना है मैम, मेरा ही दोस्त था राजेश। हाँ। उसकी शादी हो गई, उसके पिताजी लाठी लेके और घर के बाहर बैठे, उसके बाद रात को हम लोग गए उसके घर के पीछे सीढ़ी लगाए और बोले चढ़ बेटा तू, वो चढ़ने लगा घर के ऊपर, तब तक उसके पिताजी को डाउट हुआ, लाठी लेके आ गए। अच्छा। तो वो तो छत पे पहुंच चुका था। हाँ। ये लोग सीढ़ी, अब हमको प्रवेश को दे लाठी जो मारा है। और बोले उतर, बोला अब ना उतर। कूद गया सर। तो ऐसे में उस समय ऐसा गाना होता था जो मेरे भैया गाते थे। अच्छा जी। क्या बात है, वाह जोरदार ताली हो जाए रघुआ के लिए। और कोई हमारे मित्र? जी जी। मेरा नाम अल्तमश अहमद है। मेरा क्वेश्चन है, अल्तमश आप? आई एम फ्रॉम लोनावला।
अच्छा मेरा क्वेश्चन रानी मैम से. रानी मैम मैंने देखा है बहुत सारे सिंगर्स एक्टर्स बन गए और आप पहली ऐसी फीमेल हो जो एक्टर से सिंगर बन रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमारे लिए ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा संगीत सुना दे. सुनाइए, डरिए कौन सा जो आपका मन करे. ठीक है, मैं आपके लिए गा रही हूँ. थैंक यू. काहू का हाल चालवा, काहू का हाल चालवा, घरवा में सब ठीक बाटे की ना, खेती बाड़ी निक बाटे की ना, कैसन बीतत बा दिन दोपहरिया, कैसन बीतत नया साल बा. वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. थैंक्स. Thank you, ma'am. Thank you. Can I sing for you? हाँ जी. Sure. मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, main मुद्दे की बात पे अब आया है. अपना मन कर रहा था गाने को. बहुत चलाक हो अल्तमश आप. This is for you, ma'am. तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कुसूर नजर का है. Thank you. जिस बात का तुझे डर है वो करके दिखा दूंगा. क्या बे? ऐसे कैसे हमारे मेहमानों को क्या करके दिखा देगा? कैसन ऐसन कैसन ऐसन कैसन टक टक देख रहा है, पकड़ का लठवा तो का पेल दे है बता रहे हैं. थैंक यू. तुम कर पा काय नहीं कर सर, ये सब मैं आप ही से सीखा हूँ सर. यू आर माय इंस्पिरेशन सर. चल झूठा कहीं का सर. मैंने ऐसा गाना कभी गाया नहीं जिस नहीं। बात का तुझे डर है वो करके दिखा दूंगा. ये तो सीधी सीधी धमकी हो गई ना. वेरी स्वीट यार. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.